सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोले महाराज, प्रेम कैसा होगा? तो जीवन में दो चीज कहा गया है, जैसे कोई धनवान व्यक्ति जो धन के प्राप्ति करता है ना, तो कहा गया है ना, अजरा मर्वत प्राग्यो विद्या मर्थम तचिंते। धन की प्राप्ति वाले व्यक्ति को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं मरूंगा, और परमात्मा की प्राप्ति करने वाले को ये कभी नहीं सपना में सोचना चाहिए कि मैं मरूंगा नहीं। उसे तो हर हमेशा यही रखना चाहिए कि मृत्यु ना जाने मेरे बाल पकड़ रखे। क्योंकि महाराज ये जीवन कैसे हैं, तो कहा गया है काल ब्याल मुख ग्रास त्रासिन नासहि श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। मैंने आपसे कहा कि आप अपने जीवन सदगुरु के चरणारविंद में समर्पित कर, संत के चरणारविंद में समर्पित कर दो। आपके हृदय में एक शंका होगी कि अभी हमें सदगुरु नहीं बनाना है, अभी हमें महाराज कहीं सदगुरु के शरण में जाए तो मुझे विष्णव बना दें। बोले अभी जब तक आपके हृदय में विश्वास नहीं है, लेकिन ये विश्वास है कि मुझे कृष्ण से प्रेम करना है, तो स्वयं की ये सोचो कि शरीर काल रूपी जब हम जन्म लिए, जन्म के समय ही हमारे साथ काल ने भी जन्म लिया। वो अजगर के रूप में, जैसे एक अजगर जंगल में रहता है और वहाँ महाराज मुख खोल के रहता है, जो भी अगर सामने बकरा भी आए तो उसे निगल लेते हैं। अजगर अपना मुख खोल रखा है और हम उसमें बैठे हैं, सुरक्षित कब तक है? जब तक वो अपना मुख नहीं बंद कर लेता है। लेकिन हमें इनसे बचना है, हमें मरना नहीं है। जो भगवान के शरण में जाते हैं वो कभी मरता ही नहीं, वो तो अमर रहता है। तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, सूरदास जी, कबीरदास जी कभी मरेंगे? ये तो नित्य नूतन है, अमर रहेंगे। हमें भी अमर रहना है, हमें मरना नहीं। देखिए धन को प्राप्त बहुत कर लिया, लेकिन मरना पड़ेगा। लेकिन जिसने आज तक भगवान को प्राप्त कर लिया वो कभी मरते नहीं। क्या ध्रुव जी कभी मरे, प्रहलाद जी कभी मरे, आज भी ध्रुव जी को हम ध्रुव तारा के रूप में दर्शन करते हैं।